तो सबसे पहले हम बात करते हैं अपने इस क्वेश्चन में. हमारा क्वेश्चन कहता है कि अगर क्वांटिटी इज ग्रेटर देन 60 देन क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय 40. मतलब कि हमें क्या है कि 40 रुपीज़ का कमीशन देना है पर पीस, 40 रुपीज़ का कमीशन देना है. बट कमीशन देने का जो हमारा ये है कंडीशन ये है कि अगर वो 60 से ज़्यादा सेल करेगा तो देना है, अदरवाइज नहीं देना है. ठीक है जी सर. तो क्या करें इसके लिए? तो इसके लिए हमने आपके सामने इफ फार्मूला इस्तेमाल किया, जो आपने किया था उसी को मैंने करेक्ट कर लिया. अब यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन है कि एंड विदाउट इफ, इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करना है बट बिना इफ का यूज किए हुए, इफ फार्मूला का यूज किए हुए. तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, यहाँ पे हम कुछ नहीं, इसको करेंगे ग्रेटर देन इक्वल टू 60. आपको बताया था कि लॉजिकल ऑपरेटर हम सेल्फ लगा सकते हैं, इसके लिए जरूरी नहीं है कि इफ में लगाए, बट यही है कि रिजल्ट ट्रू एंड फॉल्स आए, ट्रू एंड फॉल्स आए. जी सर. अब यहाँ पे एक चीज जान लीजिए, एक्सेल कहता है कि ट्रू इक्वल टू 1, फॉल्स इक्वल टू 0, ट्रू इक्वल टू 1 एंड फॉल्स इक्वल टू 0, 1 एंड ट्रू यहाँ पे हमारा है, फॉल्स 0 ट्रू 1. इसको साबित करने के लिए आप इनको आपस में जोड़ सकते हैं, जोड़े 1 आया, अगर 2 ट्रू होता तो 2 आता, अगर 1 ट्रू होता तो 1. क्लियर है सर? जी सर. यहीं पे हमने क्या किया कि इसको 60 जो है इसी को यहाँ हमने 60 से क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर दिया. तो इसमें क्या हुआ कि जो लेस देन जीरो था, लेस देन 60 था, वो जीरो आ गया. आ गया जी सर. अब मुझे क्या करना है, जो नंबर आया हुआ है उसको 40 से मल्टीप्लाई करना है, 40 से मल्टीप्लाई. अब जीरो से 40 मल्टीप्लाई होगा तो जीरो आएगा, लेकिन जब 65 से मल्टीप्लाई होगा तो रिजल्ट आएगा, रिजल्ट आ गया. तो जो रिजल्ट यहाँ दे रहा था उसी को हमने यहाँ पे लिया, और इसके लिए हमने इफ का इस्तेमाल भी नहीं किया. तो ये इंटरव्यू में पूछे जाने वाले क्वेश्चंस थे. तो बी टू के जगह पे ब्रैकेट में हम यहाँ पे फॉर्मूला डाल देते हैं बी टू का, और फिर नीचे की तरफ ड्रैग कर देते हैं. ये आपका एक, नहीं नहीं एक, गलत हो गया. यहाँ ये आपका D2 है ना, हमारा D2 करना है. D2 के जगह पे D2 का फॉर्मूला हमने पेस्ट कर दिया और नीचे की तरफ ड्रैग कर दिया. अब इसको डिलीट आसानी से किया इंटू. अभी जो इसका बेनिफिट नहीं है, लेकिन कई सारे जगहों पे ऐसी लॉजिक लगाई जा सकती है, और साथ में कुछ इंटरव्यू में ऐसा पूछा जा सकता है, क्योंकि मुझसे तकरीबन 3 इंटरव्यू में पूछा था, इसलिए मैंने इसको आपके क्वेश्चन में रखा है. तो सबको समझ में आ गया जी सर. चलिए